आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ आस्था आनंद जायसवाल। स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। खबर गाजीपुर से है, जहां जेसीबी से खुदाई करवाने के कारण पुलिस स्थानीय लोगों के शक का शिकार हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक ने साजिश के तहत सभासद और प्राचीन रामलीला समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता को जेल भेज दिया है, ताकि रामलीला की जमीन सहित शिव मंदिर परिसर की जमीन भी कब्जी जाए, लेकिन उसके इस मंसूबे को नगर वासियों ने विफल कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभारी निरीक्षक ने रामलीला समिति के अध्यक्ष को जेल भेजने के बाद बड़ी चालाकी से नए रामलीला के पदाधिकारियों का गठन कर दिया, जिसके बाद एक ही दिन में जब तहसील के पास स्थित रामलीला की जमीन पर जेसीबी चलने लगी, तो नगर के लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्हें पूरा प्रकरण समझ में आ गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग तहसील के पास स्थित रामलीला मैदान पहुंचे और फिर कोतवाली गए। बता दें कि पुलिस ने जब रामलीला की जमीन पर जेसीबी चलाना शुरू किया, तो समिति के उपाध्यक्ष विशाल वर्मा ने जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को घटना की सूचना की जानकारी दी। वहीं प्रभारी निरीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट किया जा रहा है, जिस कारण से पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। देखिए, जनता ने कहा था, उस दिन जनता बहुत थी, धनुष्यज्ञ नहीं हुआ था, तो जनता ने कहा कि रामलीला होना चाहिए। रामलीला को कराने के लिए मैं एक दिन के लिए अपना सब पद ले लिया था कार्यवाहक के रूप में, जनता ने कही थी जी। उस पर हमने लेकर और रामलीला कराया धनुष्यज्ञ जी। धनुष्यज्ञ कराकर मैं एक दो दिन के लिए था जी। इसके बाद मैं अपना त्याग पत्र दे दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।